वेलकम टू तेज एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्ष 2018 में आयोजित पहली शिफ्ट का पेपर देख रहे हैं। वर्ष 2018 में कुल 8 पेपर ही हुए थे, ओके, और ये वर्ष 2018 का अंतिम पेपर है। इसके बाद हम वर्ष 2017 के पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। 2017 और 2018 दोनों में जेल प्रहरी हुआ था। आइए तो शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि उपकला ऊतक रेशियो शरीर स्तर समानुपात पेशी ऊतक फिर से अनुपात दिया गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। तो भाई गति, उपकला ऊतक शरीर स्तर और पेशी ऊतक किससे संबंधित, भाई गति से, ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले कुछ जाने लेते हैं तथ्यात्मक चीजें। देखिएगा, प्राणियों के शरीर की बाहरी सतह और शरीर के अंदर स्थित विभिन्न अंगों के बाहरी तथा भीतरी सतह का निर्माण करने वाले ऊतक को जो है उपकला ऊतक कहते हैं। ये प्रश्न बन जाता है कि उपकला ऊतक क्या होता है, ओके, और ये समस्त अंगों में गति उत्पन्न जो करता है वो पेशी ऊतक कहलाता है। क्या? पेशी ऊतक कहलाता है। ये तीन प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशियां। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी के पानी में डूब जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो एक निकाय समुद्री जल में अगर तैरता है और नदी के पानी में डूब जाता है, तो इसका कारण है भाई कि समुद्री जल का घनत्व जो है वो नदी के जल की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए, ओके। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देखते हैं। देखिएगा, हमेशा याद रखना, समुद्री जल का घनत्व जो वो नदी के जल की तुलना में कैसा होता है भाई, अधिक होता है, ओके। देखिए, समुद्र बड़ा है नदी से, तो भाई घनत्व किसका ज्यादा, बड़े का घनत्व बड़ा, ओके, ऐसे याद रखें। इसी कारण से निकाय समुद्री जल में तैरता है लेकिन नदी में क्या है, डूब जाता है। प्रश्न है चौथा आपकी स्क्रीन पर कि माता पिता अमीबा के तीन लगातार द्विआधारी विखंडन से बनी अनुजात अमीबा की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 संख्या होती है ये, ओके। देखिएगा, द्विआधारी विखंडन बैक्टीरिया और अमीबा के सहित एकल कोशिका जीवों द्वारा दिखाए जाने वाले एक सामान्य अलैंगिक प्रजनन विधि है, ओके। यह विखंडन एकल परिपक्व कोशिका से दो आनुवंशिक रूप से समान कोशिकाएं क्या है भाई, पैदा करता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक सुझाव के द्वारा जल जनित रोगों को रोका जा सकता है? तो भाई इसका सही जवाब है कि जल जनित रोगों को रोकने के लिए सीधे सीधे बस यही है कि आप सुरक्षित पेयजल प्रदान करें और जल जनित रोगों को जो है रोका जा सकता है। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले व्याख्या देखते हैं। जल जनित रोग अर्थात ऐसे रोग जो कि दूषित जल से उत्पन्न होते हैं वे क्या है भाई, जल जनित रोग कहलाते हैं। और इन रोगों में, जल जनित रोगों में शामिल है हैजा, पीलिया, अतिसार, ये सभी जो है जल जनित रोग होते हैं। प्रश्न पूछ लेता है कि जल जनित रोग कौन कौन से होते हैं, तो हैजा, पीलिया, अतिसार, ये सभी क्या, जल जनित होते हैं। और इनकी रोकथाम के लिए बस यही है कि आप पेयजल को सुरक्षित रखें, अर्थात पेयजल को आप शुद्ध कर रहे हैं। इन रोगों का मुख्य कारण जो है क्या होता है भाई, अशुद्ध जल ही होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है? श्वास नली, आंत या फिर ग्रास नली या मलाशय। तो मनुष्य की आहार नली का एक हिस्सा नहीं है भाई श्वास नली, ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, देखिए लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज देखते हैं। देखिएगा, श्वास नली को छोड़कर अन्य नली आहार से संबंधित होती है, ओके। आंत में भोजन का पाचन होता है, ग्रास नली के द्वारा भोजन मुंह से आमाशय तक पहुंचता है और मलाशय में मल इकट्ठा होता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, तो सारी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि पशुओं का भोजन
जिसमें कम फाइबर और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं? तो पशुओं का ऐसा भोजन जिसमें कम फाइबर होता है और अपेक्षाकृत उच्च स्तर में उसमें जो है प्रोटीन होता है उसे भाई क्या है, सांद्र या कॉन्स्टेंट कहते हैं। इज दैट क्लियर भाई? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पशुओं का ऐसा भोजन जिसमें कम फाइबर हो और उच्च मात्रा प्रोटीन हो क्या है, वह भोजन क्या है भाई, सांद्र कहलाता है। और यही सांद्र भोजन जो है पशुओं का संतुलित आहार कहलाता है। प्रश्न अगर बन जाए कि पशुओं का संतुलित आहार निम्न में से किसे कहेंगे, तो भाई सांद्र भोजन को ही पशुओं का संतुलित आहार कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अगला कि दूरी समय ग्राफ पर हर दो घंटों के बाद ग्राफ 15 मिनट के लिए समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होता है, ये क्या दर्शाता है बताइएगा। तो भाई ये दर्शाता है प्रत्येक दो घंटे के बाद वाहन 15 मिनट के लिए क्या है, भ्रम पर आता है। आगे बढ़ते हैं भाई, सामान्य से समझ समझ पर आधारित प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 9 है कि गैर संपर्क बल के उदाहरण इनमें से कौन से हैं। गैर संपर्क बल के उदाहरण आपको बताने हैं, तो गैर संपर्क बल का उदाहरण है गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल, ये दोनों जो है गैर संपर्क बल के उदाहरण है। प्रश्न है अगला, लेकिन उससे पहले व्याख्या। देखिएगा, जिनके लिए शामिल दो वस्तुओं के बीच किसी भी भौतिक संबंध की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें वेक्टर में प्रदर्शित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि आमतौर पर विद्युत लेपन अर्थात इलेक्ट्रोलेपिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली चार धातुएं कौन सी हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग अर्थात विद्युत लेपन के लिए इस्तेमाल होने वाली चार धातुएं हैं, क्रोमियम, जिंक, सोना और कॉपर। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्याख्या है कि लोहे की वस्तुओं को जंग संरक्षण से बचाने के लिए, ओके, मतलब जंग से बचाने के लिए तथा चमक के लिए उन पर तांबे, निकल और क्रोमियम का जो है लेपन किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, यदि 1 किलोग्राम रेत को 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो 30 डिग्री सेल्सियस पर पानी में डाल दिया जाता है, तो आधे घंटे के बाद तापमान का क्या होगा। तो भाई इसका सही जवाब है कि रेत और पानी का तापमान क्या है भाई, समान होगा। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है अगला कि बिलियन जिनमें कणों का आकार 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच होता है वे क्या कहलाते हैं। तो भाई वे कलिल अर्थात कोलाइड कहलाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, हमेशा याद रखना है, ऐसा बिलियन जिसके कण बिलियन में समान रूप से फैलते हैं कोलाइड बिलियन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कोलाइड बिलियन क्या होता है, ऐसा बिलियन जिसके कण बिलियन में समान रूप से फैलते हैं कोलाइड बिलियन कहलाता है, और यह समांगी तथा विषमांगी के बीच की गुड़ वाला एक मिश्रण होता है। इसकी विशेषता क्या है कि न तो समांगी मिश्रण होता है न विषमांगी मिश्रण होता है, ये इन दोनों के बीच के गुड़ वाला मिश्रण होता है, कौन, कोलाइड। ओके, कोलाइड बिलियन। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है यदि एक जीव विभाजन के एकल तल में दो समान टुकड़ों में काटा जा सकता है तो उस जीवन को क्या कहते हैं। देखिएगा, यदि एक जीव विभाजन के एकल तल में दो समान टुकड़ों में काटा जा सकता है तो उसे द्विपार्श्व सममित कहते हैं। ओके, हमेशा याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि थल समीर कब चलती है। तो भाई थल समीर जो है वो रात के दौरान चलती है। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम एक वीडियो में समुद्री समीर भी देख चुके हैं। ओके, देखिएगा, ऐसी पवन जो स्थल से जल की ओर चलती है उसे स्थली समीर कहते हैं। तो भाई पर हमने देखा था जो समीर समुद्र से स्थल की ओर चलती है उसे समुद्री समीर कहते हैं। इज दैट क्लियर। ओके, सूर्यास्त के बाद ताप विकिरण के द्वारा धरातल शीतल होने लगता है तथा स्थल पर अधिक वायुदाब तथा जल पर न्यून वायुदाब का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। इससे वायुदाब की प्रवणता स्थल से जल की ओर क्या है, चलती है। अगला प्रश्न है कि पाश्चरीकृत दूध को उबाले बिना भी उपभोग किया जा सकता है क्योंकि यह हानिकारक जीवों से मुक्त होता है।
इस प्रक्रिया के दौरान दूध को लगभग कितने डिग्री सेल्सियस पर और कितने समय के लिए गर्म किया जाता है? भाई इसका सही जवाब है कि दूध को 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े भाई, सीधे सीधे चलेगा। अगला प्रश्न है, लेकिन चलिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्निशामक का सही उदाहरण है? तो अग्निशामक का सही उदाहरण है CO2। ओके, CO2 जो है अग्निशामक का अच्छा उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के दो परमाणु और कार्बन के एक परमाणु से मिलकर बने, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है भाई? 0.03%। ओके, हमेशा याद रखना 0.3% मत कर देना गलती से, 0.03% पाई जाती है वायुमंडल में CO2, और यह रंगहीन और गंधहीन गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है भाई यहाँ पर कौन सा भाई? बर्फ का पिघलना। ओके, बर्फ का पिघलना यहाँ पर क्या है? भौतिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं, दही का जमना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, अर्थात लोहे में जंग लगना या लोहे का क्षरण, और ज्वालामुखी का फूटना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। देखिएगा, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है, ऐसा इसलिए है भाई क्योंकि इसमें पदार्थ की रासायनिक प्रकृति चेंज होती है। इज दैट क्लियर? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शोर के लिए उदाहरण नहीं है? तो भाई शोर के लिए उदाहरण नहीं है, संगीत वाद्य यंत्रों से ध्वनि जो उत्पन्न होती है वो शोर के लिए उदाहरण, या फिर कहें उससे शोर उत्पन्न नहीं होता है वो। ओके, विस्फोट से जो ध्वनि होती है वो शोर पैदा करती है, कारखानों से ध्वनि होती है वो शोर पैदा करती है, वाहनों से जो ध्वनि होती है वो शोर पैदा करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि एक तरल के क्वथनांक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो भाई इसका सही जवाब है कि एक कमरे के तापमान पर निर्भर करता है। ओके, तरल के क्वथनांक के लिए बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि यह तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उस तरल का क्वथनांक कितना हो, यह तरल की शुद्धता पर निर्भर करता है कि उसका क्वथनांक कितना हो, यह वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है कि उसका क्वथनांक कितना हो सकता है। अगला प्रश्न है, चलिएगा प्रश्न है कि वह शाखा जिसमें विरासत के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वह शाखा जिसमें विरासत के बारे में अध्ययन किया जाता है वो है भाई कौन सी? जेनेटिक्स। ओके, अर्थात आनुवांशिकी। इज दैट क्लियर? काफी अच्छा प्रश्न, शानदार प्रश्न है। तो आनुवांशिकी या जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता अर्थात हेरिडिटी और जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो इस वीडियो में इतने ही प्रश्न, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में वर्ष 2017 के प्रश्नों के साथ। तब तक आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ।